नमस्कार, YouTube चैनल एन इन योर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लो ऑफ कोक के बारे में, और यह एक बॉयलर माउंटिंग है। बॉयलर की सेफ्टी और स्टीम जनरेशन की प्रोसेस पर पूरा नियंत्रण करने के लिए बॉयलर की बॉडी पर जो यूनिट लगाई जाती हैं उन्हें बॉयलर माउंटिंग कहते हैं, और ब्लो ऑफ कोक बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आता है। ब्लो ऑफ कोक का मेन फंक्शन है, जब बॉयलर वर्किंग में हो उस समय पानी के साथ मड और किसी दूसरे सेडिमेंट्स जो बॉयलर सेल के वाटर स्पेस के बॉटम में जमा हों उन्हें डिस्चार्ज करना या बाहर निकालना। और ब्लो ऑफ कोक का इस्तेमाल उस समय भी किया जाता है जब बॉयलर की सफाई करनी हो या फिर कोई मरम्मत करनी हो, मतलब कि मेंटेनेंस करनी हो। तो अब बात करते हैं कि जो ब्लो ऑफ कोक है उसकी लोकेशन क्या होती है। जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह कोकरन बॉयलर है जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो यह जो बॉयलर सेल का वाटर स्पेस होता है उसके बॉटम में नीचे लगा होता है ब्लो ऑफ कोक। अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, तो इसमें जो ब्लो ऑफ कोक है वो यहाँ पे जो ब्लो ऑफ पाइप है, तो यहाँ वाटर स्पेस के नीचे से बॉटम होते हुए यहाँ से बाहर जाता है वाटर, किसके साथ? मड और सेडिमेंट्स के साथ। तो अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, केसिंग है, ग्लैंड है, उसके बाद प्लग है, और जो प्लग होता है वह कॉनिकल शेप का होता है जो गन मेटल का बना होता है, और इसमें एक होल भी होता है और इसके ऊपर योक और गार्ड लगे होते हैं। तो जैसा डायग्राम में देखें, यह बॉयलर सेल है, ये बॉयलर सेल का वाटर स्पेस है जिसके बॉटम में ब्लो ऑफ कोक लगा हुआ है, और वाटर के ऊपर स्टीम स्पेस है। और जो प्लग है वह ब्लो ऑफ कोक की जो केसिंग है उसके साथ प्रॉपरली मैशिंग में होता है। और जो यहाँ पे ग्लैंड यूज़ किए गए हैं उनके यूज़ करने का कारण है कि ब्लो ऑफ कोक में किसी प्रकार की कोई भी लीकेज न हो। और प्लग का जो स्पिंडल है उसको रोटेशन दी जाती है, क्योंकि रोटेशन देने से क्या होगा, जो प्लग का होल है वह केसिंग के साथ इन लाइन में आ जाता है, और जो प्लग के स्पिंडल को जो रोटेशन दी जाती है वो यहाँ पर योक का जो ऊपरी पोर्शन होता है वहाँ पर स्पैनर की मदद से रोटेशन दी जाती है, और जो योक है वहाँ पर दो वर्टिकल स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं स्पैनर को फिक्स करने के लिए। और जो ब्लो ऑफ कोक है वो डायरेक्टली वाटर स्पेस बॉयलर सेल का जो होता है उसके बिल्कुल ही लोएस्ट पार्ट पर लगा होता है। तो अब बात करते हैं कि ब्लो ऑफ कोक कैसे काम करता है। जब प्लग का जो ये रेक्टेंगुलर जो होल है इसके अंदर होता है वह केसिंग होल के बिल्कुल लाइन में आ जाता है, जैसा इसका मेन डायग्राम देखते हैं कि इस जो होल है इसके बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर में कुछ मड होता है, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स की मतलब कि जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जैसे सैंड, ग्रेवल एट्सेट्रा, वो पानी के बिल्कुल बॉटम की जो सतह होती है वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो वो पानी के साथ वो जब इनलाइन होल होता है प्लग का और केसिंग का, तो वहाँ से फ्लो करके बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वाटर है वो फ्लो करता है, क्योंकि स्पैनर की मदद से स्पिंडल को रोटेट करके जो प्लग का होल और केसिंग के होल को इनलाइन किया जाता है। लेकिन जब प्लग का जो सॉलिड पोर्शन केसिंग होल के सामने होता है तो उस समय वाटर फ्लो नहीं करता, कह सकते हैं कि जो बॉयलर का वाटर स्पेस है वहाँ से पानी बाहर नहीं निकलता। तो इस प्रकार जो ब्लो ऑफ कोक है वह काम करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।